वी आर गोइंग विद द टेल द प्रायरस टेल. इट इज वन ऑफ द टेल इन द सीरीज ऑफ द कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफ्री चॉसर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रायरस, वॉट टाइप ऑफ कैरेक्टर शी हैव. सो वी कैन से हर मैडम एग्लेंटाइन. ओके, इसको मैडम एग्लेंटाइन से के नाम से भी जाना जाता है इसमें. और ये एक मॉडेस्ट और क्वाइट प्रायरस है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा हम्बल है, शांत रहती है एंड aspires to have exquisite taste. Means इसके अंदर मतलब ऐसे बहुत अच्छा जो नेचर है, बहुत ही शानदार नेचर है इसका, और बहुत अच्छी. टू हैव exquisite taste, a woman with impeccable table manner who wears a brooch reading in Latin amor vincit omnia, means love conquers all. ये एक वुमेन है जो सारे टेबल मैनर्स को, मतलब इम्प्लिकेबल मीन्स बहुत अच्छी तरीके से, मीन्स जिसमें कोई गलती नहीं है, सारी टेबल मैनर्स बहुत अच्छे से फॉलो करती है. टेबल मैनर्स फ्रेंड्स आपको पता होगा, लाइक कि आपको किस तरीके से खाना खाना चाहिए, आपको मतलब मुंह बंद करके खाना खाना चाहिए, किस तरीके से फोक और स्पून नाइफ जो भी होता है वो रखना चाहिए, किस तरीके से मतलब जैसे हाथ वगैरह टेबल पे डाइनिंग टेबल पे नहीं रखने चाहिए, जैसे एल्बो वगैरह. तो ये कुछ टेबल मैनर्स होती हैं, ऐसे बहुत सारी टेबल मैनर्स होती हैं, यू शुड कीप इन माइंड. तो इस तरीके की जो टेबल मैनर्स होती हैं उनमें बहुत ही ये अच्छी है, मतलब कोई मिस्टेक नहीं करती है. और एक ब्रूच पहनती हैं ये, जिस पे लैटिन में लिखा हुआ है एक कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, दैट मीन्स लव कनकर्स ऑल, कि प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है. शी नोज फ्रेंच, शी ड्रेस वेल एंड शी इज चैरिटेबल एंड कंपनसेट. ओके, तो वो बहुत ही मतलब दयालु है. कंपनसेट का मतलब बहुत ज़्यादा हम्बल है, चैरिटेबल है, और ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है उसका. सी ट्रेवल्स विद अनदर नंस एंड थ्री प्रीस्ट्स एज हर अटेंडेंस टू द श्राइन ऑफ सर थॉमस बैकेट एट कैंटरबरी. एज वी नो दैट शी इज़ वन ऑफ द पिलग्रिम, सो शी इज ट्रेवलिंग विद अनदर नंस एंड प्रीस्ट. So it is all about her, and her story is that of a schoolboy murdered of his religion by Jews. Jews जो होते हैं यहूदी, जो ये एक स्कूल बॉय की जो स्टोरी है वो ये सुनाने जा रही हैं, और जिनको मतलब रिलीजन के नाम पे सिर्फ मारा जाता है क्योंकि वो एक क्रिश्चियन बॉय है और जीव ने उसे ख़त्म कर दिया. द चाइल्ड डेथ इज डिस्कवर्ड बाई ए मेरेकल ऑफ अवर लेडी. लाइक मोस्ट ऑफ द स्टोरी टोल्ड इन द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, दिस वन फिट्स द पर्सनैलिटी ऑफ इट्स नरेटर. जो नरेटर है ये इसकी पर्सनैलिटी से ये स्टोरी सूट करती है, क्योंकि ये जो नरेटर है ये भी काफ़ी मतलब गॉड को फॉलो करने वाला है, मतलब क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाली है ये जो प्रायरस हैं ये. और इनकी जो स्टोरी है इसमें भी जो स्कूल बॉय है वो किस तरीके से मतलब कितना ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को मानता है, और उसी के चक्कर में उसके मर्डर कर दिया जाता है. तो इस तरीके से प्रोलॉग में जो प्रायरस होती है वो ऑफर करती है कुछ हन मीन्स कुछ हिम वो करती है कि इन द प्रेज ऑफ वर्जिन मैरी, उनके बारे में मतलब गुणगान कर रही है. हिम का मतलब होता है कि किसी के लिए हम गान प्रशंसा करते हैं, तो वो वर्जिन मैरी के लिए प्रशंसा कर रही है. तो मैरी कौन है फ्रेंड्स यहाँ पे, एज यू नो कि ये जीसस की मदर हैं, और सी एक्सटोल्स मैरी द मदर ऑफ जीसस एंड द whitest lily flower and asking her to help the narrator properly to tell the God's severance and to guide the tale as it is told. अब ये है, ये किस लिए मतलब मदद मांग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा मानती है वर्जिन मैरी को, और उनसे ये हेल्प मांग रही है कि वो जो भी प्रशंसा करेगी गॉड की उसमें उसकी हेल्प करे, कि उससे कोई गलती नहीं हो जाए, उसकी श्रद्धा और आदर में कोई कमी ना हो जाए, तो उसको गाइड करे. सो इट इज ऑल द प्रायरस एंड द प्रोलॉग. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टोरी, मीन्स टेल बिगिन विद एन
इन्वोकेशन ऑफ द वर्जिन मैरी द सेट्स द सीन इन एशिया. सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं वर्जिन मैरी के बारे में बताया जाता है स्टार्टिंग में, और उसके बाद में सबसे पहले उन्हें से प्रार्थना की जाती है प्रायरस के द्वारा. और जो प्रायरस मीन्स क्या होता है, मठ में रहने वाला इंसान, मठ जो क्रिश्चियनिटी में जो चर्च वगैरह में होते हैं. तो उसके बाद में जो सीन है वो एशिया में शिफ्ट हो जाता है. वहाँ पे क्या होता है कि एक कम्युनिटी होती है ज्यूज की, लिव इन ए क्रिश्चियन सिटी. ओके, अ 7-year-old स्कूल बॉय सन ऑफ ए विडो इज ब्राउट अप टू रिवर मैरी. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक 7 साल का स्कूल जाने वाला लड़का, उसकी जो मदर है वो विधवा है, विडो है, और इस तरीके से वो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो मैरी है जो जीसस की मदर है उनके लिए काफ़ी उनके मन में श्रद्धा है उस स्कूल बॉय के मन में. द क्रिश्चियन माइनॉरिटी इन द टाउन ओपनड ए स्कूल फॉर देयर चिल्ड्रन इन दिस सिटी एट द अदर एंड ऑफ द सेम स्ट्रीट. अब इस तरीके से मतलब जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है वहाँ पर टाउन में एक स्कूल खोला जाता है उनके लिए, और मतलब उसी स्ट्रीट में जहाँ पर वो रहते हैं जिस टाउन में उसी की एक स्ट्रीट के एंड पे. तो वहाँ पे जो जो स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वहीं पे जो विडो का सन जाता है. डीपली डिवोटेड टू हिज फेथ एट स्कूल ही लर्न सॉन्ग इन लैटिन एंड कुड सिंग हिज एवे मैरी एंड अल्मा रेडेम्पटोरिस ए सॉन्ग गिविंग प्रेज टू द वर्जिन मैरी एंड पे ड्यू रेवरेंस टू क्रिस्ट. मतलब ये वो गाना है जो एवे मैरी का और अल्मा रेडेम्पटोरिस का. तो इसमें क्या होता है इस सॉन्ग के अंदर कि मतलब जो वर्जिन मैरी है जो जीसस की मदर हैं उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है और क्रिश्चियनिटी को सम्मान दिया जाता है. तो यहाँ पे वो देखते हैं द चिल्ड्रन आर फ्री टू वॉक थ्रू द स्ट्रीट टू एंड फ्रो द स्कूल. वहाँ से मतलब बच्चे आते जाते हैं, वो जीसस की जो भी कॉलोनी है उसके अंदर से बच्चे आ जा सकते हैं स्कूल के लिए. तो वन ऑफ द यंग क्रिश्चियन पीपल हियर्स द ओल्डर चिल्ड्रन सिंगिंग ओ अल्मा रिडेम्पटोरिस डे आफ्टर डे ही ड्रॉज नियर एंड लिसन केयरफुली एज द अदर स्टूडेंट सिंग. जब वो दूसरे बच्चों से सुनता है वो 7 years का स्कूल बॉय, तो वो बहुत कम टाइम में उसको वो फर्स्ट वर्स जो होता है उसका याद हो जाता है ओ अल्मा रिडेम्पटोरिस का, और उसको वो अच्छा लगता है गाने के लिए. तो वो सोचता है कि वो सॉन्ग को याद करेगा, और वो ये भी डिसाइड करता है कि वो सॉन्ग को क्रिसमस डे पे गाएगा. ओके, ही कैन पे रेवरेंस टू क्राइस्ट मदर, और इस तरीके से जो मतलब जीसस क्राइस्ट की जो मदर है उनको श्रद्धा भाव से मतलब आदर देगा. एवरी डे द चाइल्ड वॉक्स अलोंग द जीसस स्ट्रीट बोल्डली एंड क्लियरली सिंगिंग द सॉन्ग ऑन इज वे थ्रू द घेटो. घेटो का मतलब भी वही होता है कॉलोनी ऑफ जीव्स, कि जो वहाँ से जाता है वहाँ से गेटो के अंदर से जाता है और वो रोज़ वॉक करता हुआ जाता है उस स्ट्रीट के अंदर से, और बहुत ही क्लियरली और ज़ोर ज़ोर से वो. लेकिन यहाँ पे अब उसके साथ ट्रेजेडी होती है क्योंकि जीव्स को ये पसंद नहीं होता है कि वो मतलब क्रिश्चियनिटी या मतलब मैरी के बारे में इतना अच्छा गाता है, उसके लिए इतनी श्रद्धा रखता है. सम जीव्स हायर ए मर्डरर टू स्लिट हिज थ्रॉट एंड थ्रो हिम इन टू अ लैटरिन, या फिर आप कह सकते हो डंग हीप में उसको फेंक दिया जाता है उसका गला काट कर, बच्चे का गला काट के एक मर्डरर के थ्रू. ये सब किसने किया होता है, जीव्स ने. तो जो चाइल्ड्स विडो जो मदर है वो उसको खूब ढूंढती है, लेकिन वो जीव्स से भी पूछती है कि यहाँ से वो स्कूल जाता है, लेकिन कोई भी उसे नहीं बताता, पता होने के बावजूद भी. फाइनली उसका जो क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट है वो उसकी हेल्प करते हैं, उसको शो करते हैं वे कि उसका बेटा कहाँ है. तो द क्रिश्चियन ऑफ द टाउन बियर हिज बॉडी टू द मोनेस्ट्री फॉर बरियल. तो उसको लाया जाता है और फिर आउट बाय द मिरेकल ऑफ द चाइल्ड्स कंटिन्यूड सिंगिंग ओ अल्मा रिडेम्पटोरिस लाउडली एंड क्लियरली. जब उसको ढूंढ लिया जाता है और उसकी बॉडी को लाया जाता है बरियल के लिए, तो वो देखते हैं कि यहाँ पे इतना बहुत बड़ा मिरेकल हो रहा है. तो यहाँ पे बहुत अच्छे श्रद्धा भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है वो बच्चा, कि अब तक भी वो ओ अल्मा रिडेम्पटोरिस को बहुत क्लियरली और लाउडली गा रहा है. ही देन टेल्स द अबॉट्स दैट क्राइस्ट हैज कमांडेड हिम टू सिंग अंटिल हिज टाइम फॉर हिज बरियल एंड दैट द वर्जिन मैरी प्लेस्ड ए पर्ल ऑन हिज टंग. द चाइल्ड एक्सप्लेन दैट ही मस्ट सिंग अंटिल द पर्ल इज टेकन अवे. दैन ए होली मॉन्क टच द चाइल्ड्स टंग एंड टुक अवे द पर्ल अलाउइंग हिम टू डाई एंड
फाइनली पास ऑन टू हेवन. मीन्स वो जो सब अबॉट्स जो हैं, वो मठ के जो लोग हैं, वो देखते हैं कि मतलब किस तरीके से ये अब भी वही गाना गा रहा है. तो वो तब तक, वो जब उसे पूछा जाता है तो वो बताता है कि वो जब तक उसका बरियल का टाइम होगा तब तक वो सिंग करता ही रहेगा, क्योंकि वर्जिन मैरी ने उसकी टंग पे एक पर्ल रख दिया है, जिसकी वजह से मतलब जब तक वो पर्ल रिमूव नहीं किया जाएगा उसकी टंग से, वो उनकी जो श्रद्धा के लिए जो ओ अल्मा रिडेम्पटरिस जो है सिंग करता ही रहेगा. तो एक होली मॉन्क आता है, उसकी टंग पे टच करके मतलब वो पर्ल को हटाता है और उसको, उसके बाद में वो मरता है और हेवन में चला जाता है. इस तरीके से द चाइल्ड वॉज बरीड इन ए मार्बल टूम एज ए मार्टर. अब इस तरीके से वो चाइल्ड को बरी किया जाता है एक टूम के अंदर, और बहुत शहीद कहते हैं ना, उस तरीके की उसको मौत दी जाती है, उस तरीके का टूम बनाया जाता है उस. इस तरीके से द टेल एंड विद अ लामेंट फॉर द यंग चाइल्ड. काफ़ी दुख व्यक्त किया जाता है, इतने छोटे बच्चे की मौत होती है सिर्फ रिलीजन के नाम पे. हुज नेम वॉज हग ह्यू द लिंकन एंड ए कर्स फॉर द ज्यूज हु perpetrated the heinous crime. और यहाँ पे साथ ही साथ उन लोगों के लिए श्राप है, उन ज्यूज के लिए श्राप है जिन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया है, इतना heinous crime किया है उन्होंने. So it is all about this tale. Friends, hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel.